क्रिप्टो के अंदर ये स्ट्रेटेजी कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि भैया ये बहुत प्रीमियम स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ये अच्छे से आ जाए ना भाई, तो आप डेली के बहुत अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट से। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, क्योंकि भाई मैं आपके साथ क्रिप्टो की बातें करता रहता हूँ। और टेलीग्राम का लिंक भाई कमेंट बॉक्स में, तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लें। अच्छा, खुद को आप क्रिप्टो मार्केट में कितना पुराना समझते हो, कितनी नॉलेज है आप क्रिप्टो के बारे में, मैं देखना चाहता हूँ भाई। आपके लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि लास्ट बिटकॉइन हाल्विंग कब हुई थी। भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाओ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्ट्रेटेजी की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आना है। आपके पास कोई सा भी क्रिप्टो एक्सचेंज हो सकता है, हो सकता है कि आप बाइनेंस के थ्रू मार्केट में ट्रेड करते हो सकता है आपके पास बिंजेक्स हो सकता है कि आपके पास gate.io हो, क्यूकॉइन हो, कुछ भी हो आपके पास। एक फीचर हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर है, वो है भाई दिन के टॉप गेनर्स और लूजर्स। क्या होते हैं टॉप गेनर्स? गेनर्स का मतलब ये है कि कौन से ऐसे क्रिप्टो हैं भाई जिन्होंने सबसे ज़्यादा आज के डेट में रिटर्न दिया है, या सबसे ज़्यादा जो मूव है वो कौन से क्रिप्टो में आया है। गेनर्स में आप देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे कॉइन है, जैसे कि QI कॉइन है, AQAKX है, ASR है, JTO है, GMX है, सिटी कॉइन है। तो ये वो कॉइन है जो कि आज सबसे ज़्यादा पंप कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गेन आया है, 27% से लेके 8% तक का गेन है इन कॉइन के अंदर। उसके अलावा देखोगे आप लूजर्स में तो 17% से लेके 8% तक का लूज़ हुआ है, यानी कि एक कॉइन के अंदर क्रैश आया है। SSB कॉइन है, मूवर है, UMA है, फ्रंट है, पीपल है, पर्प है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखो आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है उन कॉइन के अंदर जो कि मार्केट में लूजर्स है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुके हैं और ये कॉइन कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट लेंगे मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉइन बहुत ही ज़्यादा क्रैश करता हुआ चले जाए, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिलेगा। हमें वही सपोर्ट ढूंढना है चार्ट में। हम कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, ठीक है। गेनर्स में हम करेंगे मेरे भाई शॉर्ट, कैसे, कहीं ना कहीं तो एक कॉइन को रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉइन उठ रहा है तो उठता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से तो फॉल करेगा, उस लेवल को हम निकाल के रखेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक। अब पहले मैं आपको थोड़ा गेनर्स का बता देता हूँ, फिर मैं आपको लूजर्स का बताऊंगा। तो रेंडमली किसी भी चार्ट, किसी भी कॉइन का आप चार्ट खोल के रख लो, जैसे कि QI कॉइन है, ये काफ़ी पंप कर रहा है, 30% पंप कर गया है। मुझे लगता है कि भैया हो सकता है थोड़ा और पंप कर दे, लेकिन मैं कहाँ से शॉर्ट करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरे भाई सीधा अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, देखो ये कॉइन काफ़ी क्रैश कर रहा था, क्रैश करने के बाद अब ये दोबारा से यहाँ पर पंप करने लग गया है। यहाँ तक क्रैश कर रहा था, यहाँ से दोबारा से अब इसने पंप करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक भाई। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, 500 लाइक का टारगेट है। अब आपको क्या देखना है भाई, आपको देखना है कि जहाँ पर प्राइस है इससे पहले, क्योंकि फॉल करता हुआ नीचे आया होगा है ना, इससे पहले रेंज कहाँ बनी हुई है पूरी मार्केट में। तो रेंज मैं निकाल लेता हूँ। रेंज कैसे निकालोगे भाई, एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आता है यहाँ पर, फ़ोन के ऊपर कर सकते हो बहुत इजी है, लेकिन लैपटॉप के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो उसका इस्तेमाल करोगे तो और बेटर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, डब्बा बनाना है बेसिकली। रेंज क्या होती है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर कि प्राइस पहले एक्युमुलेट करा हो या घूमा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत घूमा हुआ है प्राइस, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ पूरी रेंज को। उसके अलावा यहाँ पर और आगे निकालूँ रेंज, तो भाई ये भी एक रेंज है, लेकिन रेंज तो मेरे भाई बहुत बन सकती है। हम देखेंगे जो प्राइस के सबसे करीब रेंज हो, यानी कि प्राइस जिस रेंज को अप्रोच कर रहा हो, तो वो कौन सी रेंज होगी भाई, वो होगी ये वाली रेंज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है भाई एक ऐसा एरिया। अब देखो रेंज का एरिया तो बहुत बड़ा हो गया, डेली के अंदर मैंने आपको बताया कि चार्ट खोलना है, डेली के अंदर आपको चार्ट खोल के एक रेंज बनानी है। अब देखो भाई 4 घंटे में मैं आऊँ तो ये तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, आप कहाँ से शॉर्ट लोगे। ये देखो रेंज काफ़ी बड़ी होगी ना, कितने परसेंट की रेंज है ये लगभग हो गई भाई, आपके यहाँ से लेके इधर तक लगाऊँ तो 14% की रेंज है, यानी कि 14% में तो आप कहीं शॉर्ट करोगे नहीं। अब एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए शॉर्ट करने का, तो कैसे पता लगेगा भाई, रेंज के अंदर भी, डेली के अंदर एक रेंज बना ली, अब 4 घंटे के अंदर कोई रेंज देखो कि 4 घंटे के अंदर रेंज कहाँ बननी है इस कॉइन के अंदर। 4 घंटे के अंदर एक तो ये रेंज बननी है और एक बननी है ये वाली रेंज, ठीक है। आप क्या करो, इन दो रेंज पे अपने लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो, और ज़्यादातर क्या होता है इन दो रेंज में से जो पहली वाली रेंज होती है, देखो बड़े टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में एक आपने रेंज बना ली, अब 4 घंटे में आके देखो क्या रेंज के अंदर रेंज बननी है, क्या डब्बे के अंदर डब्बे बनने हैं क्या। अगर बनने हैं, हो सकता है कि मेरे भाई 2 डब्बे बनने हो, हो सकते हैं 3 डब्बे बनने हो, हो सकता है कि सिर्फ एक ही रेंज के अंदर रेंज बनना हो, रेंज बननी हो, तो आपको क्या करना है उनको मार्क करके रखना है। एग्जांपल जैसे ये रेंज है, इसको मैंने मार्क करके रख लिया। अब मैं इंतज़ार करूँगा कि भाई पहले प्राइस यहाँ पर आए, और एक ऑप्शन होता है लिमिट ऑर्डर का,
ठीक है, उस लिमिट ऑर्डर को आप लगा के रखो मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैसे लिमिट ऑर्डर काम करता है नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी है 0.019 का प्राइस QI कॉइन का, और हमारी जो रेंज है वो है 0.022। तो अभी 19 पर है, 22 पर आएगा तो वहाँ से शॉर्ट करूँगा। अब मैं बैठे थोड़ा ना रहूँगा, मैं क्या करूँगा, लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी लगा के रख दूँगा। जब भी प्राइस आएगा मेरा ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा और मैं यहाँ से अब मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, पता और नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगी, या अपना आप चेक कर लेना एक बार पोजीशंस में जाके। यहाँ पर जैसे ही टच करेगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ से प्राइस एक बार में इसको पेनिट्रेट ना कर पाए, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरेगा इस एरिया से, और क्योंकि हमारी शॉर्ट है, जब प्राइस नीचे गिरेगा तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि रेंज के अंदर रेंज देखो, दो रेंज मिलेंगी, एक रेंज मिलेंगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है प्राइस का। ठीक है, इस तरह से आप देखना स्टार्ट करो। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपको कोई ट्रेड दूं, तो भाई लो आपके लिए ट्रेड पहली ये रही। अगर QI कॉइन 0.022 से लेके 0.023 इस एरिया में आता है, 0.2222, ठीक है, ये पूरा एक एरिया है 0.2222 से लेके 0.02355 इस एरिया में है, तो यहाँ से सीधा शॉर्ट। अब टारगेट की बात करते हैं। देखो भाई, टारगेट बहुत सिंपल है, बहुत ईजी टारगेट है। किस तरह से आपको टारगेट लेना है, टारगेट आपको कैसे देखना है, कहाँ से प्राइस दोबारा से उठा था और कहाँ तक हमारा रेंज है, इसका आप 50% निकाल लो। दोबारा से जहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, और जहाँ पर हमारी रेंज है, जहाँ पर हमारी पोजीशन खुलेगी, इसका 50% में लगाऊँ तो कहीं ना कहीं इस एरिया में आएगा, तो इसका 50% का आपका टारगेट होने वाला है। स्टॉप लॉस जो आपके रेंज होगी उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। अब आपकी मर्जी है भाई, आपके रिस्क के ऊपर है। अगर आप पूरी रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो बड़ी रेंज के ऊपर, तो वहाँ लगा देना, फिर चाहे आप छोटी रेंज के ऊपर ही लगा लेना, लेकिन वो भाई रिस्की होता है। मैं कहूँगा कि बड़ी रेंज के ऊपर लगा के चलना। ठीक भाई, समझ गए। अब चलो एक काम करते हैं, अब मैं कोई कॉइन आपके सामने उठाता हूँ, और ये उठाऊँगा मैं, आपको मैंने गेनर्स में से उठा के दिखा दिया, अब मैं आपको लूजर्स में से उठा के दिखाता हूँ। एग्जांपल ये देखो भाई, मूवर है, UMA है, फ्रंट है, पीपल है, PERP है। एक काम करते हैं, PERP को उठाते हैं। ठीक है, तो PERP USDT मैंने लिख लिया, अब मैं आपके सामने लाइव उठा के दिखाता हूँ उसको। हमें क्या करना है, डेली में आना है। ठीक है, क्योंकि प्राइस अभी ऊपर है, हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो नीचे बनेगा प्राइस से, तो भाई सपोर्ट कैसे बनेगा, दिखाते हैं कैसे बनेगा सपोर्ट। बहुत इजी है भाई, कुछ भी तो हार्ड है नहीं इसमें रेंज में। ठीक है, तो पहले तो आपको रेंज बनानी चाहिए। रेंज भैया बहुत इजी है, चाहे तो यूट्यूब के थोड़े ऊपर थोड़ी सी वीडियो और देख लेना, रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं उसको, कि कैसे बनाएं, ड्रॉ कैसे करें, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से तो भाई ये एक रेंज है। ठीक है, ये एक पूरी रेंज है। क्यों रेंज, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ना काफ़ी देर के लिए रहा है। इस एरिया को अगर मैं मार्क करूँ तो काफ़ी देर के लिए ना इस एरिया में प्राइस घूमा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये अच्छा एरिया है। कैसे अच्छा एरिया है, अच्छा एरिया किस चीज़ का है मैं आपको बताऊँ। ये भाई अच्छा एरिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइस कितनी देर रहा है, ये देखो ये रहा है ना, तो ये तो चाहिए हमें प्राइस में, चाहिए क्या। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, रेंज के अंदर कोई रेंज देखनी है, तो 4 घंटे में आते हैं, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेंज के अंदर भी हमें रेंज ईजिली मिल जाए। कई बार क्या होगा, अगर रेंज नहीं मिलती है रेंज के अंदर, वैसे मिल जाती है, कोई हार्ड नहीं होता, तो आप एक काम कर सकते हो, वीकली के चार्ट के ऊपर जाओ, और रेंज के अंदर रेंज अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई आपको यहाँ पर बहुत ईजिली दिख जाएगी। कोई ऐसी कैंडल देख लो, जैसे मार्केट उठ रही है ना, उठते में कोई रेड कैंडल बनी हो, जैसे कि यहाँ पर उठ रही है, उठने में एक रेड कैंडल बनी हुई है, इसका कलर आपको ब्लैक दिख रहा होगा लेकिन है रेड ही। ठीक है, तो इस कैंडल को अगर आप मार्क कर लोगे तो एक सरप्राइज चीज़ देखोगे आप, वीकली में आके या डेली में आके कोई भी ऐसी कैंडल को मार्क कर लोगे जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, एक छोटी सी रेड मिल गई, तो भाई उसको भी आप मार्क कर लोगे, वो छोटे टाइम फ्रेम की रेंज होती है। ये है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आप जब मार्केट नीचे फॉल कर रही है, एक मार्केट में फॉल कर, अब अगर आप उसमें शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट में क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, पहले अभी आईडी देख लो। ठीक है, 4 घंटे का चार्ट खोल देता हूँ, तो ये भी हमारी एक रेंज है, रेंज के अंदर रेंज है, ये देखो रेंज के अंदर रेंज है। तो ये एरिया पे जब भी आए PERP भाई यहाँ से सीधा लॉन्ग करना है। अभी है 1.013 के करीब, जब ये 0.74 और 0.62 के करीब आए तो यहाँ से लॉन्ग करो, लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी लगा के रखो। जैसे टच करेगा यहाँ से पुश करेगा ऊपर की साइड, प्रॉफिट बुक करना है। कितना करना है, मान लो यहाँ से बहुत तेज़ से नीचे गिर जाता है, क्रैश हो जाता है प्राइस, इस एरिया से ही क्रैश हो गया और यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर हमारी पोजीशन ऑर्डर ओपन हो जाएगा, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके 50%, कहाँ से टॉप से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 50% क्या होगा, बीच का होगा कहीं एरिया,
तो यहाँ पर अपना टीपी आप रख लेना। ठीक भाई, समझ गए, उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आया होगा। और हाँ, जो मैं आपको पहले बता रहा था वो ये था कि जब मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाए और रेंज के अंदर रेंज नहीं मिल रही, तो एक काम करना, डेली का चार्ट है, रेंज बना ली, उसके अंदर की रेंज नहीं मिल रही तो 4 घंटे के अंदर आके या डेली के अंदर आके देख लेना कि जब मार्केट फॉल करती है तो रेड कैंडल बनाती है, कोई बीच में कोई ग्रीन कैंडल हो ना रेंज में तो उसको पूरे मार्क कर लेना, वो एक अच्छा एरिया है, वो आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि आपका रेंज के अंदर रेंज आपको मिल जाएगी। जो ग्रीन वाली कैंडल होगी ना वो आपकी छोटे टाइम फ्रेम की रेंज होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भैया लाइक का टारगेट पता ना आपको कितना है, 500 लाइक का टारगेट है। बढ़िया बढ़िया कमेंट लिख दो, जो भी आपको लिखना है, फेवरेट क्रिप्टो करेंसी कौन सी है ये बता देना, और ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे ये भी बता देना, और अपनी एक्यूरेसी ज़रूर लिखना, एक बार इसको यूज़ करके देखो, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। जैसे ही आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनने लग जाए तो आना कमेंट बॉक्स में और बता देना कि आपको कैसी लगी। प्लस एक और चीज़ भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेवरेट क्रिप्टो का नाम लिख के जाओगे, इससे क्या होगा, एल्गोरिथम भी पुश करेगा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो भैया बात ही अलग हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।